स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एच पी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर आई पी एस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बजट का पार्ट टू लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, बट इससे भी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि बजट एक ऐसा पार्ट है जहाँ से डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनको तो ज़्यादा अच्छे से याद करके जाना। पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा, पार्ट वन देख लेना। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि पार्ट टू, पार्ट वन को इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर करो, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो, फिर लाइव क्लास भी ले, ठीक है? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों बजट का पार्ट टू। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो बजट का पार्ट टू, पार्ट वन अपन ने कर दिया था अच्छे से। अब इसके अंदर एक टेबल, थोड़ी सी टेबल याद कर लेते हैं अपन, टेबल के फॉर्म में अच्छे से याद होगा इसलिए। और ओरिजिनल बजटरी एक्सपेंडिचर 2021 के लिए, ठीक है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2021 के लिए, और बजटरी एक्सपेंडिचर 2021-22 के लिए, ठीक है? ये टेबल है बस, और कुछ भी नहीं है। ये टेबल भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे है। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और है फिस्कल डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, ठीक है? तो हुआ क्या, हर साल बजट रिलीज होता है, तो लास्ट ईयर बजट रिलीज हुआ, ठीक है? तो टोटल जो बजटरी एक्सपेंडिचर रखा गया कि हम बजट के अंदर फेस किया, वो था 30.42 लाख करोड़, ठीक है? इतना रखा गया। फिर उसमें से जब पता चला एक साल बाद, तो खर्चा कितना निकल के आया, तो वो आया है 1 लाख करोड़, 34.50 लाख करोड़, इतना एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? इस वजह से अगर, इसलिए इस बार का बजट रखा है ना, जो इसके आसपास डिजिट रखी है, वो बजटरी एक्सपेंडिचर इस बार रखा है 34.83 लाख करोड़, ठीक है? एक्सपेंडिचर कितना है 30.42 लाख करोड़ ओरिजिनल जो था, और हुआ कितना 34.50 लाख, और इस बार कितना रखा है 34.83 लाख करोड़, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना रखा था, 4.12 लाख करोड़ था ओरिजिनल, हुआ कितना था 4.39 लाख करोड़, और इस साल कितना है, इस साल ज़्यादा है 5.5 लाख करोड़। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, 34.5% लास्ट ईयर से इंक्रीज किया है इसको, तो ये याद रखना, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है इस साल 2021 के अंदर, वो है 9.5%। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू बजट ही है, और अकॉर्डिंग टू जो अपना अकाउंट्स सीजी है उसके अकॉर्डिंग अलग है, वो भी रिसेंट आया, वो बताना मेरे को, ठीक है? ये है 9.5% प्लस 2021-22 में कितना है, 6.8% रहने का अनुमान लगाया, ठीक है? और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनेगी वो मैं बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बनेगी कि फिस्कल डेफिसिट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बिलो 4.5% ऑफ GDP, GDP का होना चाहिए टिल भाई कौन से ईयर तक, ये ईयर पूछा जाएगा 2025-26 तक, ये बजट के अंदर बोला है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लस अब आगे चलते हैं अपन, अगला पॉइंट क्या है इसके अलावा, इसके अलावा ये है जो ग्रोइंग बोरोइंग है ना, उधारियाँ, ग्रोइंग बोरोविंग फॉर नेक्स्ट ईयर, वो है 12 लाख करोड़ तक हो जाएगी, ठीक है? क्लियर हो गया? प्लस 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग नेट बोरोइंग जो स्टेट के लिए है ना, नेट बोरोइंग फॉर स्टेट्स 4% हो जानी चाहिए, 4% ऑफ GSDP, फॉर 2021-22, ठीक है? ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फिस्कल डेफिसिट 4.5% कब होगा, 2025-26 तक, क्लियर हो गया?
अब पूरा डाटा ही डाटा आएगा, तो अच्छे से देखना। थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्रियों को कितना कितना दिया है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इनको कितना दिया है, 54,581 करोड़, 54,581, ठीक है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड सॉरी हेल्थ एंड उल्टा लिख दिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनको कितना दिया है, 73,932 करोड़, 73,932 करोड़। इसी तरीके से याद करो इसे फिगर में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कितना दिया है, 93,224 करोड़, 93,224 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कल याद किया था, वापस देख लेते अपन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 110,055 करोड़, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का, उसका भी याद कराया था मैंने, विराट कोहली वाली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये तो पूरा उल्टा जा रहा है यार, सॉरी कॉपी टेढ़ी हो गई, मुझे पता नहीं चला। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसका रखा था 118,101 करोड़, क्लियर हुआ। तो अभी तक हाउसिंग अर्बन का कितना है, 54,583, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 73,932, एजुकेशन का 93,224, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 110,055, रोड का 118,101, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनको दिया है 131,531 करोड़, ठीक है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को दिया है 133,690 करोड़, 33,690। मिनिस्ट्री ऑफ होम, होम मिनिस्टर को कितना दिया है, 166,547 करोड़। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना दिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना दिया है, 478,196 करोड़, 478,196, 478,196 करोड़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफेंस वाला, याद रखना आप, ठीक है। फिर है कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड मिनिस्ट्री, इसको दिया 256,948 करोड़। ये फिगर जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे चिपका देना, ये वाले फिगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिफेंस वाला ज़्यादा है। कंज्यूमर अफेयर्स को कितना दिया है, 256,948। मेट्रो प्रोजेक्ट्स को 21-22 के लिए, वो दिया 18,998 करोड़, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में, ठीक है, टोटल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कितने आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। अब टोटल 22 आएंगे, टोटल 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, तो ये क्वेश्चन एग्जाम का है, देख लेना आप। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर कितने पेरिशेबल प्रोडक्ट, तो 22, क्लियर हो गया। अब आगे चलते, जल जीवन मिशन के लिए कितना किया है, जल जीवन मिशन 21-22 के लिए कितना किया है, और टोटल 21-25 तक कितना किया है, दोनों याद रखना। तो 21-22 के लिए तो किया है 50,000 करोड़, और टोटल जो 5 साल के लिए किया है, 5 ईयर के लिए, वो मैंने बता दिया था 2.87 लाख करोड़, ठीक है, 2.87 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। अगला है नेशनल एजुकेशन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए कितना किया है, वो किया है 34,300 करोड़,
क्लियर है। मनरेगा के लिए कितना है, एम जी आर ई जी एम, नरेगा के लिए कितना है, 73,000 करोड़, 21-22 के लिए सब, ठीक है। जो 5 साल के लिए होगा वो मैं अलग से बोलूँगा, बाकी मोस्ट सब 21-22 के लिए। पीएम किसान के लिए कितना है, 63,000। और जिन्होंने गवर्नमेंट स्कीम पढ़ ली है वो कमेंट सेक्शन में बताना, पीएम किसान जो योजना है उसके अंदर कितनी पेंशन मिलती है टोटल ईयरली, प्लस मंथली जो इंस्टॉलमेंट में मिलती है वो कितनी कितने इंस्टॉलमेंट में मिलती है, ये बताना, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को कितना दिया है, इनको दिया है 44,000 करोड़, ठीक है। अब वापस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वो ब्रॉड गेज ये कौन से ईयर में ख़त्म होगा, ब्रॉड गेज तो ये होगा दिसंबर 2023 तक, याद रखना है ये डेट, दिसंबर 2023। ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में डायरेक्ट, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा ही रहा है अब तो। अगला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को कितना दिया है, 1,000 करोड़। सोलर एनर्जी को 1,000 करोड़। फिर आगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये दोनों एक साथ याद रखना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, पूरा याद नहीं करो तो भी, सोलर को कितना दिया है 1,000 और इंडियन रिन्यूएबल को दिया है 1,500 करोड़, 500 ज़्यादा दिया है, दोनों को एक साथ याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कितना दिया, ये भी आईपीएस क्लर्क के अंदर क्वेश्चन आया था 21-22 के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़न करेंगे, ठीक है। और अगला है टू प्रमोट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, डिजिटल मोड ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट किया जाए उसको बढ़ाने के लिए भी 1,500 करोड़, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी 1,500, सोलर एनर्जी के लिए 1,000, पब्लिक सेक्टर के लिए 20,000 करोड़, क्लियर, साथ में याद करते चलो। अब है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर देना, डीप ओशन मिशन और डिजिटल पेमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लस डीप ओशन मिशन इसके लिए 4,000 करोड़ रखे हैं, ये 5 साल के लिए 4,000 करोड़ फोर फाइव। और दोस्तों कल पार्ट वन पढ़ा, उसके अंदर कमेंट में बताना ऐसी कौन सी स्कीम है जो 6 साल के लिए लॉन्च की है, ठीक है। और उसका आउटले रखा है 64,000 करोड़, 64,000, ठीक है। अब गोवा क्या पुर्तगाल से रिलीज हुआ था, तो गोवा की डायमंड जुबली है, ठीक है, गोवा के लिए डायमंड जुबली के लिए भी सेलिब्रेशन के लिए कुछ पैसा रखा गया है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के लिए कितना अमाउंट रखा है, ठीक है। डायमंड जुबली किसकी है, ये पुर्तगालों से इनको लिब्रेशन मिला था उसके लिए 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़। अगला है टी वर्कर, टी वर्कर असम और वेस्ट बंगाल में है, टी वर्कर इन असम एंड वेस्ट बंगाल, इनको भी 1,000 करोड़ दिए हैं, तो 1,000 करोड़ और किसको दिया है, वापस रिवाइज करो, सोलर एनर्जी को 1,000 करोड़ और टी वर्कर है, टी वर्कर असम और वेस्ट बंगाल उनको 1,000, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को 1,500, पब्लिक सेक्टर बैंक को 20,000 करोड़, डीप ओशन मिशन के लिए 4,000 करोड़ 5 साल के लिए, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के लिए 1,500 करोड़, गोवा की लिबर जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है उसके लिए 300 करोड़, याद होता जा रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वापस, ये वाला इस पेज पे जो मैं बता रहा हूँ ना, इस वाले पेज पे, ये सारे इंपॉर्टेंट, इनको पक्के से याद करके जाना, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंटिंजेंसी फंड
फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड होता है, राष्ट्रपति का फंड होता है ये, इसको कितना किया है, पहले कितना था, इसका कॉर्पस कितना है? पहले था ये 500 करोड़, बट कोविड की वजह से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, लगभग तो इसको करना पड़ा 30,000 करोड़। ठीक है, 30,000 करोड़ करना पड़ा इसको, 60 गुना करना पड़ा, लगभग 60 गुना किया है। तो पहले कितना था, 500 करोड़, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और अब हो गया 30,000 करोड़, याद रखना। प्लस बजट के अंदर एक सी वीड पार्क भी अनाउंस किया गया, ये कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये पेज वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी वीड पार्क तमिलनाडु में बनेगा, तमिलनाडु में, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया, अब तो बस एंड होने वाला है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये 100% इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आईपीएस क्लर्क के अंदर भी मैं खुद तैयारी कर रहा था, तब मैंने सोचा था ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सरफेसी एक्ट 2002 है, ये याद रखना। ठीक है, इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, फॉर डेट रिकवरी होती है, डेट रिकवरी ऑफ NBFC। ठीक है, जो 50 लाख से कर दिया है टू 20 लाख कर दिया है। ठीक है, फॉर NBFC किन किन NBFC के लिए किया है, फॉर NBFC विथ मिनिमम एसेट साइज, मिनिमम एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। क्लियर हो गया, डेट कवरी। ठीक है, 50 लाख से 20 लाख करती है डेट रिकवरी की। ठीक है, सरफेसी एक्ट के अंडर, और NBFC की साइज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एसेट साइज वो 100 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन यही था, और 20 लाख उसका आंसर था, ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम के अंदर। दिख रहा है अब, थोड़ा मैं फ्लो में पेपर में सही अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, अब थोड़ा सा बाकी है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट के। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकना। अगला क्वेश्चन है रीओपनिंग टाइम लिमिट जो रखी है फॉर डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट के लिए, फॉर डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट के लिए उसको रिड्यूस कर दिया है, पहले 6 साल थी, रिड्यूस टू 3 ईयर कर दिया फ्रॉम 6 ईयर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट के लिए याद रखना है, डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट के लिए। क्लियर हो गया। प्लस बजट के अंदर बोला है कि सेबी को है ना डेजिग्नेट कर रहे हैं गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर, डेजिग्नेटेड एस रेगुलेटर ऑफ गोल्ड एक्सचेंज। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा ये भी एग्ज़ाम में आया था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी वापस आने के चांस है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए और टाइम हो गया ना काफ़ी, और बजट के वापस क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी है ना निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने क्या बोला बजट के अंदर कि जो NPA मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, वो एक कंपनी खोलेंगे, उस कंपनी का नाम क्या होगा। ठीक है, सीतारमन जी प्रपोज टू सेटअप एन ARC, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, एसेट और उसके MD CEO भी बना दिए गए अब तक तो, रिकंस्ट्रक्शन कमेंट में इसके MD CEO बताना, क्योंकि ये मार्च के आसपास बनाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी किसके लिए बनाई जाएगी ये भी यहाँ रखना, फॉर NPA मैनेजमेंट, फॉर NPA मैनेजमेंट के लिए बनाई जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया। अगला है जो वीट प्रोक्रूटमेंट के लिए फार्मर को कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो दिया जाएगा वीट प्रोक्रूटमेंट के लिए 75,000 करोड़ टू फार्मर फॉर
वीट प्रोक्योरमेंट, याद रखना है 2021, ठीक है, सॉरी 21-22 के लिए। अगला है डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है हमारे गवर्नमेंट का, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट वाली, रत्न है एक तरीके से, उनको सेल करेगी। तो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट और 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस इन्वेस्टमेंट आ रही है, LIC का IPO भी आएगा, तो वो है 1.75 लाख करोड़। कितना है 1.75 लाख करोड़, ये डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है, ये रट लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और PM फसल बीमा योजना के लिए कितना दिया है, 16,000 करोड़ बीमा के लिए 16,000 करोड़। अब एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जो IPS क्लर्क के अंदर आया था बजट से, और मुझे वहाँ पे नहीं आया था वो क्वेश्चन, ठीक है, बट आप और पढ़ो पूरा क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, आप लोगों, और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यह सही है, ठीक है। क्या हुआ था, फॉर वन नेशन वन कंपनी के लिए, वन नेशन वन कंपनी के लिए, ठीक है, तो क्या होता था, एक देश की एक कंपनी है ना, तो उसके लिए NRI की रेजिडेंट लिमिट थी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आया, रेजिडेंट लिमिट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन था कितनी है ना, 182 डेज कर दिए, 120 डेज, ठीक है, तो 182 ही एग्जाम क्वेश्चन था ऑप्शन के अंदर, शायद मुझे नहीं आया था, बट मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो ये बजट अपने ख़त्म हो गया। अब जो बैंकिंग के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी अपन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर वैल्यू में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा दोस्तों, मैं करवाता हूँ जल्दी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस बार, लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया, तो लास्ट ईयर क्या मेरा पढ़ा हुआ था, मैं खुद तैयारी कर रहा था, इस बार तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों। मैं फिर भी आप लोगों के लिए पता नहीं कैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो ट्राई करूँगा, मैं करंट अफेयर अपलोड ज़रूर होगा, ठीक है, मैं भी पढ़ूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, क्या मुझे SBI क्लर्क का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को पेपर है, और मैं राजस्थान सेंटर है, अभी मैं भूल जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना दोस्तों, रिक्वेस्ट है। और कमेंट में बताना कैसा लगा बजट आप लोगों को। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक।